हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में बैंक का कितना सारा टाइप होता है क्या क्या बैंक होता है क्या क्या फंक्शंस होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बैंक में नौकरी करता है आप जिसको बैंक में नौकरी लेना है या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ से गेन होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए टाइप ऑफ बैंक्स सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक एज वी नो आर फिर नेक्स्ट uh, है कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक में क्या क्या आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉरेन बैंक्स डेवलपमेंट बैंक्स हैं फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स में देखिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एक टाइप है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है फिर है स्पेशलाइज बैंक बहुत सारा बैंक है जिसका स्पेशलाइज फंक्शन है एग्जिम बैंक और नवार्ड तो ये है बैंक का टाइप अब चलिए जानते हैं एक एक बैंक के डिटेल्स में कमर्शियल बैंक क्या करता है डील करता है जनरल पब्लिक पब्लिक के साथ डील करता है पब्लिक मनी के साथ डील करता है एक्सेड डिपॉजिट्स एंड ग्रैंड लोन्स एंड एडवांस थ्री टाइप्स ऑफ पब्लिक कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है मेजोरिटी स्टैक जो होता है इज हेल्ड बाई गवर्नमेंट लाइक एस बी आई बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है मेजोरिटी स्टैक इज हेल्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकता है आई सी आई सी बैंक एक्सिस बैंक फॉरन बैंक हेड क्वार्टर्स जो होता है इन लोगों का फॉरन कंट्री में होता है एच एस बी सी लाइक सिटी बैंक फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेजेस इन बैंकिंग बिजनेस अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट तो इसका एक अलग एक्ट है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ये होता है विलेज और टाउन लेवल में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है ये होता है स्टेट लेवल में फिर आता है कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शंस है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस और और भी बहुत सारा फंक्शंस है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस दैट इज इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एल सी अंडरटेकिंग सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स लाइक लॉकर होता है कमर्शियल बैंक में प्रोवाइड फॉरन एक्सचेंज डीलिंग फॉरेक्स का डीलिंग करता है फंड ट्रांसफर होता है फॉरेक्स एडुकेशनल लोन्स टू स्टूडेंट्स होम लोन भी हो सकता है तो ये सब डीलिंग जो करता है कमर्शियल बैंक करता है लेकिन ये सेकेंडरी है फिर आता है सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ द बैंक दैट इज द आर बी आई डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक पब्लिक के साथ डील नहीं करता है गाइडेंस टू अदर बैंक अदर बैंक कैसे रन करेंगे क्या क्या रूल फॉलो करना है ये सब कौन डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कंट्रोल मोनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज ये भी सेंट्रल बैंक डिटरमाइन फॉरिन एक्सचेंजेज फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डिटरमिनेशन होता है क्या होगा कैसे होगा कौन सा रेट में होगा तो ये सब सेंट्रल बैंक करता है फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स। डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट बैंक क्या है बिजनेस ऑफ एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू परचेज मेशीनरी बिजनेस अगर रन करना है तो आपको क्या चाहिए आपको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए या मीडियम टर्म कैपिटल चाहिए मशीनरी परचेज करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए फॉर एक्सपेंशंस एंड मॉडर्नाइजेशन सच फिनेंशियल ये जो मॉडर्नाइजेशन चाहिए ये सब के लिए क्या चाहिए एक फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए फिनेंशियल हेल्प चाहिए जो आपको कौन प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट प्रो, बैंक प्रोवाइड करेगा एग्जाम्पल आई एफ सी आई एस एफ सी स्पेशलाइज्ड बैंक प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेटिंग इन स्पेशल एरिया ऑफ एक्टिविटी एक्सिम बैंक क्या करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको सपोर्ट देगा एस आई डी बी आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है नबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स के लिए है नबार्ड तो ये दिस आर द स्पेशाइज बैंक व्हाट यू आर लर्न तो क्या क्या सीखा आपने सेंट्रल बैंक आरबीआई का क्या फंक्शन है इंश्योरेंस करेंसी नोट स ऑफ बैंक कहलाता है कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने बताया पब्लिक प्राइवेट फॉरेन थ्री कैटेगरी है डूइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताया विलेज टाउन लेवल में होगा तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज होगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है स्टेट लेवल में होता है और हमने क्या सीखा डेवलपमेंट बैंक्स है जो प्रोवाइड करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू परचेज मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन एक्सिम बैंक होता है सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एस जो होता है वो सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और नबार्ट जो होता है इन फिनेंशिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर तो फ्रेंड्स होप यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द बैंक वट आर द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो दें डोंट फॉर टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू